Good morning to you all. How are you all? I hope from you are very well, happy and safe at your homes. Don't worry about your study because we are here for you always. Okay, so let's start today's new chapter. Chapter number 4. Adjectives. It is very interesting chapter. और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा इस चैप्टर्स के बारे में आता भी है, काफ़ी हद तक आपको पहले से ही आता है, और अगर नहीं आता है कोई टेंशन वाली बात नहीं भाई, मैम तो है ना, समझा सकती हैं। तो बेटा चलो पढ़ते हैं कि नया चैप्टर एडजेक्टिव्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आओ फर्स्ट यू ऑल टेक पेंसिल एंड योर ग्रामर नोटबुक एंड राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपको सबसे पहले लिखनी है। तब तक आप लोग अपना पेंसिल और नोटबुक निकाल लो, तब तक मैं आपको ओरली समझा देती हूँ कि ये क्या है, एडजेक्टिव्स होते क्या है। बेटा एडजेक्टिव लिखा हो या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखा हो, एडजेक्टिव लिखा हो या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखा हो, दोनों का मतलब सेम है। मतलब नाउन को अगर कोई भी वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है तो उस चीज़ को बोलेंगे एडजेक्टिव। मतलब जैसे नव्या इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। नव्या इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सो गर्ल क्या है बेटो, गर्ल क्या है यहाँ पर? नव्या के ऊपर अब मत जाओ, वो आप नव्या, आपका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, पता नहीं कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि नव्या ज़रूर देख रही है। तो नव्या का मैंने इसलिए नाम लिया, कोई बात नहीं, सभी बच्चे मेरे लिए बराबर हो। तो गर्ल क्या है? गर्ल नाउन है, गर्ल एक नाउन है। ठीक है बेटा, कॉमन नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है। तो जस्ट इसके पहले कौन सा वर्ड यूज़ हुआ? इंटेलिजेंट। तो अभी हमारे दिमाग में एक इमेज बनी है कि जो ये लड़की है वो इंटेलिजेंट है, ये लड़की इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट उसकी इमेज बना रहा है। मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हुआ यहाँ पर? इंटेलिजेंट। समझ में आ गया? अब आप लोगों को सब कुछ याद आ गया होगा। ठीक है, तो करते हैं इसके बारे में रिटन में आप लिखो डेफिनेशन। सबसे पहले आप इस चैप्टर का नाम लिखोगे और हेडिंग डालोगे एडजेक्टिव। आप लिखेंगे एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट डिस्क्राइब्स अ नाउन। एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट डिस्क्राइब अ नाउन। ओके, चलो कुछ एग्जांपल इसी के नीचे लिख लीजिए आप लोग। माय क्लासरूम हैज़ ब्लू वॉल्स। तो बेटा वॉल क्या है यहाँ पर? नाउन है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे वॉल क्या है? नाउन है। तो जब वॉल नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है जो वर्ड, वही हुआ डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि वॉल कैसे? इसमें आप एक चीज़ और है, इसमें हमेशा आपको क्वेश्चन इसमें होगा कैसी है, कैसी है। ठीक है, कैसी है लड़की, कैसी है? इंटेलिजेंट। वॉल कैसी है? ब्लू। तो कैसी का अगर आंसर मिल रहा है आपको तो समझ लेना ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो वॉल कैसी है? ब्लू। तो ये जो ब्लू है ये क्या है? एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। We get delicious food in our school canteen. तो बेटा इसमें देखो food, food के बारे में बोल रहे हैं कि वहाँ हमें अपनी स्कूल की कैंटीन से हमें delicious food मिल जाता है, मिलता है। ठीक है, तो क्या है बेटा delicious? ये delicious किसको describe कर रहे हैं? food को। food क्या है? फूड क्या है? नाउन है। और डिलीशियस डिस्क्राइब किसको कर रहा है? फूड को। तो डिलीशियस क्या हुआ? एडजेक्टिव। डिलीशियस क्या हुआ? एडजेक्टिव।
डिलीशियस क्या हुआ, एडजेक्टिव. ओके, माय बेस्ट फ्रेंड इज हेल्पफुल. माय बेस्ट फ्रेंड इज हेल्पफुल. तो बेटा यहाँ बात किसकी हो रही है, बेस्ट फ्रेंड की. किसकी हो रही है, बेस्ट फ्रेंड की. बेस्ट फ्रेंड क्या है, नाउन. और डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड के बारे में हमारे दिमाग में इमेज क्या बन रही है, कि वो हेल्पफुल है, वो हेल्पफुल है. मेरा प्रिय मित्र या मेरा अच्छा दोस्त हेल्पफुल है. तो ये हेल्पफुल उसको डिस्क्राइब कर रहा है ना, किसको, दोस्त को. तो ये हेल्पफुल क्या हुआ, डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं. ठीक है, या अभी तक आपको इतना ही लिखना है इसमें आज, बाकी का कल पढ़ेंगे. ठीक है, आज एडजेक्टिव की हमने डेफिनेशन पढ़ी और उसके एग्जांपल्स पढ़े. और ये चीज़ आप मुझे अपनी नोटबुक में लिखकर होमवर्क में सेंड करो. ओके, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू.